गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बड़ा इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। अखबार के एडिटर, चीफ एडिटर और खबर देने वाले सहाफी के साथ रिटायर्ड जज राना शमीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के हवाले से अपनी तारीख रखती है। हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया, सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने पर तौहीन अदालत बनती है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब, कहा नून लीग की मर्जी के फैसले नहीं होते तो ये हमलावर होते हैं। असद उमर बोले, ऑपोजिशन के दिलेर लीडर ने इदारों से टकराने के लिए लोगों को उकसाया, वो लीडर आज लंदन में बैठे हुए हैं, उनके चमचे प्लेटें ठीक नहीं हुए। और हुकूमत का महंगाई से परेशान अवाम को रिलीफ देने का फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज नहीं बढ़ाई जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान की वजारत खजाना को हिदायत, 1 दिसंबर तक कीमतें बरकरार रहेंगी।